तो दोस्तों यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है दोस्तों नोटिफिकेशन। देख सकते हैं आज के कॉन्फ्रेंस में बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2020 14 अप्रैल के बाद होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड ने जारी किया अपडेट। देख सकते हैं दोस्तों ये कब का अपडेट है, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले 4:33 में अपडेट किया गया है। मैं आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा जहाँ से बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने ऑफिशियल ट्विटर पर जारी किया है। दोस्तों आखिर आप लोगों के मैट्रिक का रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है और आखिर कब आएंगे, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जैसे ही कोई नए अपडेट आएंगे। तो ठीक है, इस चैनल पर आप लोग को ऑफिशियल न्यूज़ दिखाया जाता है दोस्तों, जो भी आप लोग को 100% सत्य रहता है वही दिखाया जाता है। ठीक है, इसलिए इस न्यूज़ पर विश्वास कीजिए और आप लोग गूगल भी कर लीजिए ताकि आप लोग का रिजल्ट आखिर कब आएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर कुछ कीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि बिहार बोर्ड यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अब उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया था, अब 14 अप्रैल तक जो है स्थगित कर दिया, क्योंकि यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन जारी किया गया था दोस्तों 14 अप्रैल तक, उसी के द्वारा यहाँ पे जारी किया। अब देखिए बोर्ड के ट्वीट के बाद बिहार मैट्रिक परिणाम 2020 के अभी हाल फिलहाल में जारी किए जाने की संभावना अब समाप्त हो गई। जहाँ दोस्तों 14 दिन तक आप अपना रिजल्ट भूल जाइए, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद ही आपको यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारे काम को रोक दिया गया, इसलिए 14 अप्रैल को लॉकडाउन खुलने के बाद ही परीक्षाओं के परिणाम ऑफिशियल हम लोग दिखाते हैं दोस्तों, ऑफिशियल न्यूज़ आप लोगों को। तो दोस्तों आप भी अगर बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल न्यूज़ जानना चाहते हैं ना, तो बिहार बोर्ड का स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल BSV, जहाँ दोस्तों BSV बोर्ड लिखिएगा आप लोग ट्विटर पे तो आप लोग को इसका हैंडल मिल जाएगा, यहीं पर आप लोगों को ऑफिशियल न्यूज देखने को मिलेगा। देख सकते हैं अभी से जस्ट नो पहले थोड़ा देर पहले यहाँ पर पब्लिश किया गया है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ये आप लोग भी जाके पढ़ सकते हो। ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 10th या क्लास 12 के छात्र हैं, इसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर ऑफिशियल जानकारी मिलता रहेगा। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए एहतियात के तौर पर प्रभावी लॉकडाउन की स्थिति में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य अब दिनांक 14/4/2020 तक स्थगित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी श्री आनंद किशोर, जी हाँ श्री आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज दी गई। विदित हो कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य में दिनांक 31/3/2020 तक स्थगित किया गया था, अब जो है इसको बढ़ा के 14 अप्रैल तक कर दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी का रिजल्ट 14 अप्रैल के बाद ही आने जा रहा है। ठीक है, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि हर छात्र यहाँ पर समझ पाए दोस्तों, और बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर कन्फ्यूजन था कि आ जाएगा या फिर कल आएगा, तो अब 14 अप्रैल तक आप लोग का रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि 25% अभी आप लोगों का कॉपी जांच होना बाकी है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए। ठीक है, और रिजल्ट देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप लोग सबसे पहले रिजल्ट देख पाएंगे, तो वेबसाइट का लिंक है, वहां पे रोल नंबर रोल कोड जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो को जरूर फैलाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑफिशियल न्यूज़ आप सबको सबसे पहले देखने को मिले।